हाँ बढ़िया करके मार दिया भाई चकले बकले। देख लो दोस्तों कितनी छोटी सी रोड पे गाड़ी जा रही है गांव। दोस्तों आपके भाई ने कर दिया गाड़ी के रास्ते कृपा ले देखो। कितने बजे तक मिलेंगे? 9 बजे तक मिलेंगे। कांटा वांटा हो गया तो हेलो। तो दोस्तों कैसे हो सब? सबको सुबह की जय श्री राम और प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। पहले देखो आपका भाई कहना है लुंगी, देखो लुंगी। दोस्तों भाई ने ली है लुंगी और पहनूंगा आपसे मैं लुंगी। आपसे दोस्तों पूरा लुंगी ऐसे वाला सिस्टम रहेगा, ऊपर एक शर्ट और नीचे एक बनियान और एक शूज जूते और ये अपनी लुंगी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और पंडित जी गाड़ी चला रहे हैं दोस्तों। पंडित जी दोस्तों सुबह सुबह पूरी ड्यूटी करते हैं अपनी, मतलब अभी बैठे थे दोस्तों स्टेयरिंग में 4 बजे, मैंने उठाया ही नहीं वरना इनकी तो नींद भी नहीं खुलती। नहीं मजाक कर रहा दोस्तों, ये देख लो पंडित जी दोस्तों पूरा अपना काम करते हैं, मतलब सुबह ये तो चले जाएंगे दोस्तों। इन्हों बोल लो कि भाई मत जाए, ना जाओ जी। ठीक है दोस्तों अब आ गए हैं टोल टैक्स। और दोस्तों ये आ गए टोल टैक्स सामने। और दोस्तों गुलाब बाग यहाँ से जस्ट 4 किलोमीटर है अपना, और गुलाब बाग में दोस्तों ट्रांसपोर्ट है अपनी। ठीक है वहीं गाड़ी रोकेंगे अपनी जाके। और आज से अपना भाई का नाम होगा लुंगी भाई, रोबिन लुंगी भाई। ठीक है दोस्तों अपना नाम डेली चेंज किया करेंगे, नया नया यूनिक नेम रखा करेंगे। तो आज आपका लुंगी भाई गाड़ी में कराएगा ग्रीस और कराएगा फिल्टर। और ये देखो टोल टैक्स। ठीक है दोस्तों अब कराएंगे खाली है। दोस्तों ये जो गुलाब बाग से जस्ट आगे वाला टोल टैक्स है दोस्तों, ये भी बहुत बदतमीजी भी करता है, मतलब आप गाड़ी तभी लेके आता दोस्तों मैं लेके आता रोडी पर दोस्तों ये टोल टैक्स करते हैं बदतमीजी रात को। और रात को भाई कुछ भी गाड़ी के अंदर घुस जाएंगे बिना पूछे तो ऐसे, तो भाई इसलिए मैं माल नहीं भरता ये फालतू का। और दोस्तों ये ARC गाड़ी है आकाश भैया की गाड़ी, ये देख लो नई वाली। और ठीक है दोस्तों चलते हैं फिर अपने राह पर। और यहाँ ये देखो सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं दोस्तों रोडियों की लोड करके, यहीं खड़ी होती हैं, अड्डा यही है। ठीक है दोस्तों अपनी ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, जब्बार जी की ट्रांसपोर्ट में, जब्बार ट्रांसपोर्ट कंपनी बिहार की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है दोस्तों, जब्बार ट्रांसपोर्ट कंपनी एक नंबर के मालिक है। ठीक है दोस्तों चलते हैं वहीं और फिर वहीं मिलूंगा, वहां करवाना है मैं दोस्तों काम गाड़ी का, ग्रीस और फिल्टर कराना है। ठीक है दोस्तों बढ़िया करके पिनों में ग्रीस कराएंगे। और ग्रीस कराने से दोस्तों क्या फायदे होते हैं बताओ? दोस्तों ग्रीस कराने के देखो दोस्तों बहुत सारे फायदे होते हैं। और चाबी बड़ी थी किसी की ना रोड बड़ी, मतलब ग्रीस कराने के दोस्तों फायदे होते हैं। सबसे पहली बात तो हमारी गाड़ी स्मूथ चलती है, ठीक है, उसके बाद हमारी गाड़ी एवरेज भी देती है ग्रीस और फिल्टर, और ग्रीस और फिल्टर हर 800 किलोमीटर पे गाड़ी के करानी चाहिए, तो मैं चक्कर में 4-5 बार करानी चाहिए, मतलब तो दोस्तों मैंने भी नहीं कराए हैं इतनी बार, तो 4-5 बार मैंने भी नहीं कराए हैं, मैं करा रहा हूँ तीसरी बार करा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों आते हुए ना बारिश हो रही थी, जस्ट मैंने ग्रीस करवाया तुरंत बारिश पड़ गई और फिर फायदा ही नहीं हुआ। ग्रीस करा के दोस्तों बहुत सारे फायदे रहते हैं, गाड़ी स्मूथ चलती है, डीजल कम खाती है, और क्या क्या फायदे होते हैं? पीने नहीं कटती है, हाँ पीने नहीं कटती हैं, जो हमारी गाड़ी के ट्राली पीने होती हैं ना नहीं कटती हैं, मांस वगैरह सापट अपनी बढ़िया रहती है। ठीक है दोस्तों अपनी कंपनी में मिलते हैं दोस्तों, ट्रांसपोर्ट में मिलूंगा मैं आपको। और दोस्तों वो देखो गाड़ी पलट गई दोस्तों सुबह सुबह, कच्चे माल की गाड़ी। और फाइनली दोस्तों पहुंच गए हम अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी, जस्ट ये भारत का बंपा है दोस्तों गुलाब बाग में, इसके बगल में ही आप किसी से ही पूछ लेना, जब्बार ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक है दोस्तों और ये बगल में आपको शोरूम मिल जाएगा महिंद्रा का। और दोस्तों ये बगल में जस्ट महिंद्रा का शोरूम मिल जाएगा, और पीछे भी अपनी गाड़ी खड़ी है दोस्तों, मिलता हूँ उनसे जाके। ठीक है दोस्तों मिलते हैं अभी, दोस्तों अपनी गाड़ी है सारी फाइनली, भाई जैक लगा रहे हैं दोस्तों, वही जैक भाई कर रहे हैं ग्रीस, ग्रीसिंग कैसे होती है गाड़ी में दोस्तों, पूरी बाल्टी भर के लाता हूँ मैं ग्रीस की कंपनी से ही, जिससे कि मैं एक अच्छा ग्रीस दे सकूँ गाड़ी को। ये सारी पिनों पे ग्रीस करना पड़ता है जिससे पीने नहीं कटती दोस्तों, ये जो है ना दोस्तों ये सापड़ चक्कर पिन के दिया बोल रहे हो ना, हाँ बढ़िया करके मार दिया भाई चक्कर पे ग्रीस। और दोस्तों ये लगाया था जैक इधर ग्रीस कराने के लिए, चक्कर पे भी ग्रीस लगा दिया है।
पार्किंग पे बाबू मर भी करेंगे ना उसर लगा। और ये देखो चकले पे ग्रीस हो गया। चलो ठीक है दोस्तों, ग्रीस करा के मिलता हूँ। हो गया दोस्तों हमारा माल, रेट बहुत कम लगाया दोस्तों, कल को बताऊंगा दोस्तों रेट क्या है। और हमारा माल दोस्तों हरियाणा का हुआ है, अभी जा रहा है दोस्तों पीछे गाड़ी लोड करने टोल टैक्स से, जस्ट एक दो किलोमीटर पहले से ही लोड होगी आपके वही गाड़ी। अभी आगे तो घुमा के लाऊंगा, मैं लूंगा यू टर्न, और यू टर्न हो गया दोस्तों कांटे में चलते हैं, पहले कांटा करवाएंगे। जस्ट भाई टाटा मोटर्स पर हो गया दोस्तों, वो गाड़ी निकल लिया ना देख रहे हो आप, वो देखो उसका इंतजार कर रहे हैं, वो हमारे साथ ही जाएगा, उसको रास्ते नहीं पता, नया ड्राइवर है वो। ठीक है दोस्तों भाइयों देखिए, ये छोटा गाड़ी पिकअप पलट गया है, किसी चीज को बचाने के चक्कर में ये छोटा गाड़ी पलट गया है। ये देखो कांटे पहुंच गया भाई दोस्तों, यहाँ कराएंगे कांटा, और पार्टी का आदमी दोस्तों वहीं खड़ा है कांटे पे, पहले कराएंगे कांटा। देखो पहले कितना जाम लगा हुआ है कांटे में, पीछे एक गाड़ी और आ रही है दोस्तों अपनी है मुजफ्फरनगर की, MS का बोर्ड। ठीक है दोस्तों कांटा करवा के मिलता हूँ मैं आपको। देख लो दोस्तों कितनी छोटी सी रोड पे गाड़ी जा रही है, गांव के अंदर जा रही है गाड़ी लोड होने, ऐसी ऐसी रोडों पर जाना पड़ता है दोस्तों लोड करने। चलो ठीक है दोस्तों गोडाउन में मिलता हूँ मैं आपको, जहाँ गोडाउन में गाड़ी लोड होगी। देख लो बाइक वाले पूरी स्पीड में आ रहा है खींच के, मतलब दोस्तों जब भी आप गाँव में जाते हो ना गाड़ी लोड करने तो ध्यान से रहें बस। पहुंच गया आपका भाई गोडाउन में, ये देखो यहाँ अपना ट्रक लगाया है, और ये है गोडाउन, यहाँ होगा अपना ट्रक लोड। ठीक है दोस्तों लोडिंग टाइम पे मिलता हूँ मैं आपको। अपनी कंपनी की गाड़ी जा रही है, दोनों अपने ही घोड़े हैं दोस्तों अपनी कंपनी के, वो आगे वाला घोड़ा मालिक खुद चलाता है दोस्तों, और उसके पीछे पीछे तीन गाड़ियाँ चलती हैं। ठीक है दोस्तों देख लो भैया कितनी सी जगह है दोस्तों, इतनी जगह में गाड़ी लेके जानी पड़ती है, देख लो ये देख लो एक और जा रही दोस्तों, सर तीन घोड़े दोस्तों इतनी सी रोड पे जा रहे हैं, देखो पूरा रोड जाम हो गया। और दोस्तों आपके भाई ने गाड़ी लगा दी है बैक, तो भाई पानी कैसे टपक रहा है गाड़ी में, तिरपाल भी यहाँ रखते हैं दोस्तों साइड में। ठीक है दोस्तों मिलता हूँ मैं। और दोस्तों आपके भाई की गाड़ी लग गई है लोडिंग होने, और हम जा रहे हैं दोस्तों चाय पानी पी के आएंगे। और ये देखो भाई गाड़ी जा रही है, और चाय पानी पी के आएंगे दोस्तों, भूख लग रही है बड़ी, तब आगे पंडित जी को उठा दिया है मैंने, गाड़ी करते हैं लॉक और चलते हैं चाय पानी पीने, देखे हैं कितनी देर में करेंगे लोड, और लोड करके होगा रस्ता त्रिपाल, और इस बार जो रस्ता त्रिपाल होगी वो अलग स्टाइल की होगी, यानी भाई अलग स्टाइल की होगी ना। ठीक है दोस्तों मिलते हैं दोस्तों, बाइक लेके निकल गया, अब तक चलाया था 18 चक्का, अब लेके बाइक अब जाएंगे दोस्तों दुकान पे, दुकान होगी दोस्तों कुछ खाने पीने की, तब खाएंगे पियेंगे, भूख लग रही है बड़ी तगड़ी। चलिए दोस्तों ये मेरा नाश्ता है, स्प्राइट पकौड़े लिट्टी चोखा। ठीक है दोस्तों खाना खाने के बाद मिलता हूँ। फाइनली दोस्तों ट्रक के ऊपर आ गया आपका भाई, और एक देखो ट्रक लोड हो रहा है, लोडिंग चालू हो गई है, देखो क्या डिसेंट लोडिंग चालू हो गई है। और भाई गर्मी देखो कितनी तगड़ी है, बहुत तगड़ी गर्मी है भैया, पेड़ की छाया मिल गया दोस्तों हमें, तब हमारे साथ ठीक है भाई। बत्ते लगाने, एक दो तीन चार बत्ते लगे हैं, बहुत मेहनत करता हूँ मैं, बत्ते लगते नहीं यार दोस्तों, बड़ी मुश्किल से लगाने पड़ते हैं। अरे बकरियाँ दोस्तों गाड़ी के नीचे घुस जाती हैं हमारी, अरे देख लो कितनी लंबी गाड़ी है लग रही, 42 टन माल लेंगे दोस्तों हम यहाँ, चलो चलते हैं नीचे गर्मी हो रही। फाइनली दोस्तों आपके भाई का आधा ट्रक लोड हो गया है देखो, और बिल्कुल आधा ट्रक लोड हो गया है, कितना ऊंची हाइट जा रही है भाई साहब, ये देखो दोस्तों ये ट्रैक्टर लेके आता है पता है गांव से, ये देखो ट्रैक्टरों में माल आ रखा है, ये चारों ट्रैक्टर दोस्तों, आपको क्या लगता है चारों ट्रैक्टर का माल मेरी गाड़ी में आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आपका सही सोचना है, ये चारों ट्रैक्टर का माल मेरी गाड़ी में आ जाएगा आराम से। ये देखो कितनी हाइट है, ये देखो भाई। और दोस्तों यहाँ से ना देहरादून का माल मिल रहा था 2600 रुपये, देहरादून 2600 रुपये था, और कुरुक्षेत्र का भरा दोस्तों मैंने 2600 रुपये रेट, क्योंकि भाई कुरुक्षेत्र में माल मिल जाएगा हमें पानीपत से। और वो देखो एक और गाड़ी आई है, ये RC आकाश भैया की गाड़ी है वो दोस्तों,
जिनकी मैं पहले चलाता था उनकी गाड़ी है, और अभी लेबर साइड में बैठ गए दोस्तों, थक गए बेचारी यार, बहुत काम करती हैं, देखो सारे यहाँ बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, पूरी गाड़ी लोड होने पे मिलता हूँ मैं आपको। ये देखो दोस्त, पहला ट्रक लोड होके निकल गया है। अरे देखो, बेल्ट वेल्ट लगा के चल दिए हैं, देखो कितनी सी जगह में से कैसे कैसे निकालनी पड़ती है यार। दोस्तों पूरी कंप्लीट हो गई अपने भाई की गाड़ी, यहाँ से गाड़ी निकालना बहुत हार्ड है दोस्तों। ये देखो सामने क्या है, अरे दोस्तों ट्रैक्टर वैक्टर साइड में करवा रहे हैं, उसके बाद हटेगी गाड़ी। फाइनली भाई अभी कांटा कराया था गाड़ी का जस्ट अभी, और देख लो ये रस्ता तिरपाल करने लग गया आपका भाई। और ये देखो पसीने में देख लो, उससे ज़्यादा हाल बुरा मेरा ही है दोस्तों, क्योंकि मैं हूँ बहुत मेहनती। ये देख लो दोस्तों डोले, ये देख लो छाती, और देख लो पूरी बॉडी। ठीक है दोस्तों, देखो सूरज भी ढल रहा है, शाम होने वाली है। ठीक है दोस्तों, रस्ते मारता हूँ जब दबा के, जल्दी जल्दी रस्ते मारता हूँ और फिर मिलता हूँ पूरी रस्ते तिरपाल करने के बाद। ये देखो पसीना कैसे टपक रहा है, ये देखो पसीना। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों आपके भाई ने कर दिया गाड़ी की रस्ते तिरपाल, ये देखो ओके। ठीक है, और ये देखो दूर से देखो, ठीक है ओके कर दिया दोस्तों रस्ते तिरपाल, पूरा पसीने भीग गया हूँ मैं, बहुत हार्ड वर्क रहता है रस्ते तिरपाल करना। ये देखो हाथ का हाल ऐसे फटते हैं, हाथ छल्ले निकलते हैं दोस्तों, छल्ले। और पंडित जी करेंगे, अब टूल बांध देंगे सबसे ज़्यादा। पंडित जी टूल बांध दो आप, और ये देख लो दोस्तों। ठीक है रस्ते तिरपाल एकदम ओके, आगे से दिखा देता हूँ थोड़ी सी। ठीक है दोस्तों आगे से, और गड्डी देख लो। ठीक है सारी गाड़ी खड़ी है अपनी, और जैसे कि दोस्तों रस्ते तिरपाल कर दिए हैं, सारा काम ओके कर दिया है, अब निकलेंगे दोस्तों, रात को निकलेंगे दोस्तों। पेपर पता नहीं कितने बजे तक मिलेंगे, 9 बजे तक मिलेंगे। कांटा वांटा हो गया दोस्तों, 41 टन माल हुआ है हमारी गाड़ी में, 41 टन। ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं क्योंकि मैं थक गया हूँ, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। और पंडित जी टूल बांध रहे हैं दोस्तों, ये देख लो। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सबको जय श्री राम और बाय बाय।